इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट जारी किए हैं। कोवैक्सीन 78% तक असरदार है। तीसरे ट्रायल में यह रिजल्ट सामने आया है। कोरोना के गंभीर मामलों में कोवैक्सीन 100% प्रभावी है। तो आपको बता दें, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कोवैक्सीन 78% तक असरदार है। तीसरे ट्रायल में यह रिजल्ट सामने आया। कोरोना के गंभीर मामलों में कोवैक्सीन 100% प्रभावी बताई जा रही है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, क्या और अपडेट इस मामले में? देखिए पंकज, ये जो फेज 3 का ट्रायल का स्टडीज था, इसमें करीब 25,800 पार्टिसिपेंट पर ये टेस्ट किया गया था और उनकी उम्र जो एज ब्रैकेट था वो 18 से लेकर 98 साल तक था। अभी ये बताया जा रहा है कि जो इंटरिम रिजल्ट अभी कंपनी ने जारी किए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एफिकेसी रेट जो है वो करीब 78% है और जो सीवियर कोविड पेशेंट्स पर जब ये वैक्सीन ट्राई की गई तो वहां पर 100% इनको एफिकेसी रेट मिली है। फाइनल रिपोर्ट जून में आएगी जो ICMR के थ्रू जारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह की पहले बातें उठी थी, आपको याद होगा पिछले साल भी कोवैक्सीन को लेकर कई सवाल उठाए गए थे कि बिना ट्रायल्स के ही इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन अब जब इसके इंटरिम रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो इसकी किसी रेट पे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका टी राघवन। और नासिक में जो दुखद घटना हुई है उस पर थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कही। आदित्य ठाकरे ने घटना पर दुख जताया और कहा कि सभी मंत्री और अधिकारी सीएम ठाकरे के साथ संपर्क में हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नासिक गैस लीक कांड की पूरी जांच की जाएगी। और नासिक गैस लीक हादसे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।